हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स एंड फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी में आगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फैक्टर्स से रिलेटेड उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ ए थ्री डिजिट नंबर ए बी सी हैज टू फैक्टर्स, थ्री डिजिट नंबर है ए बी सी और उसके टू फैक्टर्स हैं, हाउ मैनी फैक्टर डज सिक्स डिजिट नंबर ए बी सी ए बी सी विल है। यहाँ से आप देख रहे हो ए बी सी एक थ्री डिजिट नंबर है और टू फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स। और हमें पता है अगर किसी नंबर के टू फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर। नंबर हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर। क्यों होगा प्राइम नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि एक नंबर है n और वो मेरे पास 3 के इक्वल है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होंगे, 1 एंड 3। अगर मैं इसके प्लेस पर p कहता हूँ, n इज इक्वल टू p है एक प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि इसके केवल टू फैक्टर्स होंगे, 1 एंड p, टू फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा उसके टू फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ए बी सी हमारे पास क्या कह रहे हैं, थ्री डिजिट नंबर है जिसके टू फैक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। साथ में हमारे पास ये जो वैल्यू है ए बी सी, ए बी सी सिक्स डिजिट नंबर, ए बी सी ए बी सी ए बी सी सिक्स डिजिट नंबर है, तो हमें फाइंड आउट करना है इस सिक्स डिजिट नंबर के फैक्टर्स कितने होंगे। तो पहले एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, ए बी सी ए बी सी। ये आप देख रहे हो ए है, ए इंटू क्या होगा 10 रेज टू द पावर 5 प्लस बी इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस सी इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस ए इंटू 10 स्क्वेयर प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 10 रेज टू द पावर 0 यानी 1 कह सकते हैं। नंबर सिस्टम में हम इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ से आप देख रहे हो 10 स्क्वेयर ए कॉमन, 10 स्क्वेयर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 क्यूब प्लस 1 10 स्क्वेयर ए कॉमन। नेक्स्ट अगर हम 10 बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, दोनों में से 10 क्यूब प्लस 1 प्लस सी कॉमन लेते हैं तो 10 क्यूब प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसमें से 10 क्यूब प्लस 1 का मतलब क्या है, 1001, 1001 कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 10 स्क्वेयर ए प्लस 10 बी प्लस सी, और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1001 इंटू ए बी। मतलब जो ये हमारे पास सिक्स डिजिट नंबर है ए बी सी इंटू ए बी सी, सॉरी ए बी सी ए बी सी इंटू नहीं होगा, ए बी सी ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1001 टाइम्स ए बी सी। तो ये जो पार्ट है यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1001 ए बी सी। 1001 आपको पता है 7 इंटू 11 इंटू 13, प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्राइम्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इंटू ए बी सी, ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। इसका मतलब ये जो ए बी सी, ए बी सी सिक्स डिजिट नंबर है, ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसके बाद हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, आपको पता है कि जो भी पावर्स होती हैं उनमें हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। यानी ये जो 6 डिजिट नंबर है ए बी सी ए बी सी, इसके हमारे पास 16 फैक्टर्स होंगे, ये हमारे पास 16 फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक रिजल्ट है, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन में हम 2 फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एनी
प्राइम नंबर यानी थ्री फैक्टर्स के लिए, यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्केयर, प्राइम का स्केयर, क्योंकि हमें पता है अगर प्राइम स्केयर है तो इसका मतलब वन टी और टी स्केयर इसके थ्री फैक्टर्स होंगे, यानी अगर किसी नंबर के थ्री फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, स्केयर ऑफ ए प्राइम नंबर, वो नंबर हमेशा क्या होता है, स्केयर ऑफ ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो नाइन, नाइन को थ्री स्केयर लिख सकते हैं, और थ्री स्केयर के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वन थ्री एंड थ्री स्केयर, वो फैक्टर्स क्या होंगे, वन थ्री एंड थ्री स्केयर। तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर लेस देन हंड्रेड हैव थ्री फैक्टर्स, लेस देन हंड्रेड वो नंबर बताएं कितने होंगे जिनके थ्री फैक्टर्स होंगे। तो हमें पता है कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, पी स्केयर, और पी स्केयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन हंड्रेड, और पी क्या है, प्राइम नंबर। तो आपको पता है टू स्केयर टू प्राइम है, टू स्केयर थ्री स्केयर फाइव स्केयर सेवन स्केयर इलेवन स्केयर, लेकिन ये जो इलेवन स्केयर है ये इलेवन स्केयर ग्रेटर देन हंड्रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे। तो ये फोर नंबर्स ऐसे हैं जिनके थ्री फैक्टर्स होंगे, ये फोर नंबर्स ऐसे हैं लेस देन हंड्रेड जिनके थ्री फैक्टर्स होंगे। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आंसर क्या आ जाएगा, फोर, आंसर क्या आ जाएगा, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थ्री डिजिट नंबर ए बी सी हैज थ्री फैक्टर, ए बी सी हैज थ्री फैक्टर, इसका मतलब जो ए बी सी इसके हमारे पास थ्री फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा, प्राइम स्क्वायर, ये मेरे पास क्या होगा, प्राइम स्क्वायर। हाउ मैनी डज सिक्स डिजिट नंबर ए बी सी ए बी सी विल हैव, तो ए बी सी ए बी सी इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ए बी सी ए बी सी है इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मतलब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो लेकिन हमें लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है ए बी सी ए बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1001 इंटू ए बी सी, और 1001 का आपको पता ही है 7 इंटू 11 इंटू 13 ए बी सी है। अब ये जो ए बी सी है इस ए बी सी की वैल्यू हम क्या कहते हैं, प्राइम स्केयर, ए बी सी की वैल्यू क्या करें, प्राइम स्केयर, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू पी स्केयर होगा, इंटू पी स्केयर हो गया। लेकिन ये जो पी है, यहाँ जो ये पी है आप देख रहे हो, ये पी 7 11 13 या अदर देन 7 11 13 हो सकता है, तो हमें चेक करना होगा, डिफरेंट केसेस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर्म करनी होगी जिसकी हेल्प से हम कह पाए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर हम लिखते हैं वो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए देखें क्या पी की वैल्यू 7 हो सकती है, क्या पी की वैल्यू 7 हो सकती है, अगर हम पी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 49, लेकिन पी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, थ्री डिजिट नंबर, पी स्क्वायर क्या है, थ्री डिजिट नंबर, इसका मतलब नॉट इक्वल टू थ्री डिजिट नंबर, यानी ये थ्री डिजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब पी की जो वैल्यू है वो 7 नहीं हो सकती, पी की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, लेकिन 11 और 13 हो सकती है, 11 और 13 हो सकती है या 11 और 13 में से कुछ नहीं होगी। तो केस फर्स्ट हम लिख लेते हैं, पी इज आइदर 11 और 13, फर्स्ट केस ले लेते हैं, पी इज आइदर 11 और 13। तो इस केस में अगर पी आइदर 11 और 13 है तो आप देख रहे हो जो ए बी सी इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो पी की वैल्यू 11 है, अगर पी की वैल्यू 11 है तो ये क्या हो जाएगा 11 स्केयर, और एक 11 और है, 11 इंटू 11 स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा 11 क्यूब, यानी 7 इंटू 11 क्यूब इंटू 13 ये हो जाएगा। या क्या हो सकता है हमारे पास, अगर पी की वैल्यू 13 हो तो ये 13 स्केयर हो जाएगा, 13 स्केयर इंटू 13 यानी 13 क्यूब हो जाएगा, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 क्यूब। दोनों केसेस को साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पावर्स हैं
पहले वाले में यहाँ 11 क्यूब आ गया था, यहाँ हमारे पास 13 क्यूब आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 2 × 3 + 1 4, और 13 की पावर 1 है, 1 + 1 2, यानी 4 × 4 16। यानी अगर पी जो है वो 11 या 13 है, पी अगर 11 या 13 है तो उस केस में हमारे पास जो ये नंबर है 6 डिजिट नंबर ABC ABC, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 16 फैक्टर। सेकंड केस ले लेते हैं हम, केस सेकंड, पी इज आइदर 11 नॉर 13। पी 11 और 13 नहीं है, और पी 11 और 13 नहीं है तो इसका मतलब क्या बन जाता है, पी इज अदर देन 7 11 13। यानी ये जो पी है ये अदर प्राइम हो जाएगा, डिफरेंट प्राइम हो जाएगा अदर देन 7 11 13। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पावर 1 है, 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 2 + 1 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3, यानी 20। यानी ये जो 6 डिजिट नंबर है हमारे पास ABC ABC, 6 डिजिट नंबर जो है इसके आइदर 16 फैक्टर्स और 24 फैक्टर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, आइदर 16 फैक्टर्स और 24 फैक्टर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n एग्जिस्ट फॉर विच n² + 18n - 52 हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर होगा तो यहां से हमें क्या आ गया, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स यानी किसी भी नंबर के अगर 3 फैक्टर्स हो तो वो नंबर हमें पता है, वो नंबर क्या होता है, p² और p जो है वो यहाँ हमारे पास क्या होगा, प्राइम। p हमारे पास यहाँ क्या होगा, प्राइम नंबर। तो इसके हमें वो सभी n की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसके लिए n² + 18n - 52 क्या हो, p² के इक्वल, और वो जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी n की उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए देखें क्या कहेंगे हम, n² + 18n - 52 = p² सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से आप देख रहे हैं n² + 18n है, इसको अगर मैं कंप्लीट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर है, n² का n का कोफिशियंट 18 का हाफ 9, 9² ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n² + 18n + 9² - 9² 81 हो जाएगा -52 = p², और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, n ये मेरे पास क्या हो जाएगी, n + 9² = p² है, लेफ्ट साइड में आएगा तो -p² = +81 + 52, सॉल्व करेंगे तो वो 133 हो जाएगा। ये a² - b² को a + b × a - b लिख सकते हैं, यानी n + 9 - p × n + 9 + p = 133। और आपको पता है 133 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 133, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 19। 17 × 19 क्या होता है, 133। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम ये कह देते हैं n + 9 - p = 1, और n + 9 + p = 133 से हम ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 × 133। और यहाँ से अगर हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, 2n + 18 = 134। प्लस 18 है, -18 हो जाएगा, 2n = 18 माइनस करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास = 100। 134 था,
134 में से 18 माइनस करेंगे तो 116, और यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करें ये क्या आ जाएगा, यानी एक n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 58। और अगर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है 7 × 19, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या लिख सकते हैं, n plus 9 माइनस पी इज इक्वल टू 7, एंड n प्लस 9 प्लस पी इज इक्वल टू 19। और तो अब हम इनको अब हम सिंप्लीफाई करके यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो भाई इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2n प्लस 18 इज इक्वल टू 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 26, 2n इज इक्वल टू 8 रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ से n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो यहाँ हमारे पास n की 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक तो क्या है 58 और एक क्या है 4, और हमें क्या करना था, यहाँ से हमें इनका सम कैलकुलेट करना था, तो जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या हो जाएगा, 58 प्लस 4 यानी 62, आंसर क्या आ जाएगा 62। ए नेचुरल नंबर n विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी n जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। इसका मतलब 4 फैक्टर्स के केस में हमने 2 कंडीशंस की थी, उनमें से एक कंडीशन थी कि प्राइम क्यूब, इसका मतलब इस क्वेश्चन में n जो है वो प्राइम क्यूब नहीं है। द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n दैट आर लेस देन n इज 100, यानी वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स लेस देन n होंगे, n जो नंबर है यानी n जो है वो मेरे पास 4 फैक्टर्स के केस में या तो प्राइम क्यूब हो सकता था, प्राइम क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, p1 इंटू p2, और p1 एंड p2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो ये n से लेस जो इसके फैक्टर्स होंगे, n से लेस जो फैक्टर होंगे उनका सम क्या गिवन है, 100 गिवन है, तो देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ n, जो ये n नंबर है इसकी जो डिजिट्स का सम होगा वो क्या होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, हमें पता है कि n नंबर ये है, और अगर हम फैक्टर्स ऑफ n फाइंड आउट करें, फैक्टर्स ऑफ n, तो वो क्या होंगे, 1 p1 p2 p1 इंटू p2, हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ n दैट आर लेस देन n, ये तो n के इक्वल ही हो गया, मतलब इसको छोड़ के जो ये n के फैक्टर्स हैं 1 p1 p2 इनका जो सम दिया हुआ है वो क्या है 1000, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 1 प्लस p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 1000, और इसका मतलब p1 प्लस p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 999। P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, 999। और हमें पता है कि P1 और P2 ये दोनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, P1 और P2 प्राइम नंबर हैं, और 2 प्राइम नंबर्स का सम ओड, 2 प्राइम नंबर्स का सम ओड, तो दोनों इवन या दोनों ओड नहीं हो सकते, क्या होंगे, एक इवन नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, ओड, क्योंकि इवन प्लस ओड क्या होगा, ऑलवेज ओड होगा। तो और हमें पता है प्राइम नंबर में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसका मतलब जो p1 है इस p1 की वैल्यू क्या होगी, 2, मतलब एक प्राइम नंबर 2 होगा, 2 प्लस p2 इज इक्वल टू 999, और यहां से p2 की जो वैल्यू हो क्या आ जाएगी, 997। तो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, और आपको पता है 997 ये भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। साथ में क्या कहा गया हमें, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, n की डिजिट्स का सम क्या होगा, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू हमें पता है क्या था, p1 इंटू p2 का मतलब 2 इंटू 997,
और 2 × 997 इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि आप जानते हो 997 थाउजेंड से 3 लेस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 से 6 लेस हो जाएगा, और 2000 से 6 लेस का मतलब 1994। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिजिट्स। और सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, 1 + 9 + 9 + 4 यानी 18, 22 एंड 1। तो डिजिट्स का सम होगा, डिजिट्स का सम वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हाउ मैनी सिक्स डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म ABC ABC आर आल्सो मल्टीपल ऑफ 47। तो जो सिक्स डिजिट नंबर है ABC ABC, सिक्स डिजिट नंबर है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 47। और मल्टीपल ऑफ 47 में ऐसे कितने नंबर होंगे, सिक्स डिजिट नंबर ऐसे कितने होंगे जो मल्टीपल ऑफ 47 हो। तो इसके लिए देखें, एबीसी एबीसी टाइप का सिक्स डिजिट नंबर अगर कोई है तो वो नंबर क्या होता है, 1001 × ABC, 1001 × ABC। और 1001 हमें पता है 7 × 11 × 13 और × A। हमें गिवन है कि ये जो सिक्स डिजिट नंबर है दिस इज मल्टीपल ऑफ 47, दिस मल्टीपल ऑफ 47, ये नंबर 47 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर भी मल्टीपल ऑफ 47 है, लेकिन 7 और 11 और 13 यहाँ 47 का कोई रोल नहीं होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो ए बी सी यानी थ्री डिजिट नंबर जो है ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 47। इजी हो गया हमारा क्वेश्चन, पहले हमें सिक्स डिजिट नंबर्स देखने थे जो 47 के मल्टीपल हों, लेकिन अब हमें केवल थ्री डिजिट नंबर्स देखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 47 हो। तो आपको पता है 47 × 2 अगर आप करते हो तो 47 × 2 कितना हो जाएगा, 94, लेकिन ये थ्री डिजिट नंबर नहीं है, ये थ्री डिजिट नंबर नहीं है, और थ्री डिजिट नंबर नहीं है इसका मतलब ये हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 47 × 3, 47 × 4, 47 × 5 एंड सो ऑन, लास्ट थ्री डिजिट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना चाहेंगे जो मल्टीपल ऑफ 47 हो। तो आपको पता है 47 × 20 अगर हम करते हैं, 47 × 20 तो 47 का डबल 94 हो जाता है, यानी 9, इसमें 47 ऐड करते हैं तो 987, यानी 987 हमारा थ्री डिजिट नंबर होगा जो 47 का मल्टीपल होगा, यानी 47 × 21। ये वैल्यू क्या है, 987। इससे नेक्स्ट अगर 47 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे, और इनको काउंट करें तो 3 से स्टार्ट है, 3, 4, 21, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 − 3 + 1 यानी 19। ये जो है हमारे पास क्या है, 19 पॉसिबल नंबर, मतलब 19 पॉसिबल नंबर्स की जगह हम क्या कह सकते हैं, 19 पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास, ये जो है वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 47 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4। 4 जो है वो 8 टाइम्स रिपीट होता है, और इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। इसके लिए देखें कि ये जो नंबर है, जैसे अभी हमने कहा था कि कोई नंबर अगर 3 times रिपीट होता है, ABC ABC अगर 3 times रिपीट होता है तो इस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1001 × ABC। हमने सॉल्यूशन भी किया। इसी वे में अगर 4 times रिपीट होता है, सपोज ABCD ABCD अगर हम ये, तो वो क्या आ जाएगा, 10001 × ABCD। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करके भी हम चेक कर सकते हैं। इसी वे में अगर ABAB है, ABAB वो क्या होता है, 1001 × ABC, 4 digit नंबर अगर 2 times रिपीट,
इसकी हेल्प से हम ये देखें, वैसे तो 4 4 4 4 8 टाइम्स रिपीट होता है, लेकिन हमें इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको यूज कर लेते हैं कि अगर 4 टाइम्स रिपीट होते हैं, मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक नंबर है 4 टाइम्स 4 और ये एक नंबर है 4 टाइम्स 4, जो 8 डिजिट नंबर है वो 4 4 4 4 2 टाइम्स रिपीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस नंबर को क्या लिख पाऊंगा, 4 4 4 4 × 10001 डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें ये वाली जो ट्रिक है अगर ये ध्यान है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हो 4 4 4 4 है, तो अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 × प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करना है, और प्राइम फैक्टराइज में 4 4 4 4 जो है वो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 × जो 10001 है, 10001 इसको हम क्या लिख सकते हैं 137 × 73, तो हम एज ए स्पेशल नंबर भी याद रख सकते हैं। जब हमने नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर से रिलेटेड जो सेकंड लेक्चर किया था उसमें हमने इसको एज ए स्पेशल नंबर भी याद रखने के लिए कहा गया था, उसको हम याद रख सकते हैं कि 10001 को हम 137 × 73 लिख सकते हैं। और यहाँ से अब आप देख रहे हो इसको क्या कह सकते हैं, 4 को तो 2² × इसमें से अगर 11 को कॉमन लेते हैं, 11 × क्या हो जाएगा 101 × 137 × 70। देखें 2 11 1001 137 और 73 ये सभी हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स, यानी इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ था ये इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसका मतलब हम यहाँ इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर 2 है, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 × 11 रेज टू द पावर 1 है 2, 1001 रेज टू द पावर 1 है × 2 हो जाएगा 137 रेज टू द पावर 1 है, 73 रेज टू द पावर 1 है, 2 4 8 और 16 × 3 48, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 8 टाइम्स 4 के वो कितने होंगे 48, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आगे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज देखने को मिलेंगे।